केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस माते परिवादवाद री राजनीति करवारो मांडियो आरोप। शाह नागौरा पुचामण सिटी मकराणा आर परबसर में चुनावी सभा में कर संबोधित। विधानसभा चुनाव ने लेर भाजपा कांग्रेस समय दूजा दल चुनाव प्रचार करो तेज। प्रदेश में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान की भी शुरूआत। कांग्रेस भी पीसीसी में करी कंट्रोल रूम री थरपणा। निर्वाचन महकमो एकीकृत मतदाता सूचारों करो प्रकाशन। 5,29,00,000 सुबत्ता मतदाता करेला अपना मताधिकारो प्रयोग। 80 साल सुबत्ती उम्रा बुजुर्ग खातर होम वोटिंग की सुविधा 15 नवम्बर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अजमेर रा दौरा माथे। मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल रा सालाना जलसा में ले रिया है भाग। और जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में चल रिया लोक संस्कृति महोत्सव। लोक रंग में न्यारा न्यारा राज्यों ना कलाकार दे रिया है मनभावनी प्रस्तुतियां। महोत्सव रो आज वेलो रंगारंग समापन। नमस्कार, दोपहर 1 बजे री राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस माथे परिवारवाद री राजनीति करबारो आरोप मांडियो है। गृहमंत्री शाह काल नागौरा कुचामण सिटी मकराणा अर परबसर में चुनावी सभा में संबोधित कर्या। इन दौरान वणा मकराणा में भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में राखी गई जनसभा में कहो कि राज्य री कांग्रेस सरकार रा शासन में पेपर लीक और महिला अत्याचार रा मामला बढ़िया है। बठे वणा लाल डायरी रो भी जिक्र करता तका कांग्रेस माथे निशानो साध्यो। कहीं कोई संत भूमि बचाने के लिए ये जो खनन का अवैध कारोबार होता है इसके खिलाफ आत्मदाह क्रिया ऐसी देश भर में कोई घटना नहीं हुई, सिर्फ राजस्थान में हुई है। मैं आज गहलोत साहब को कहने आया, गहलोत साहब राजस्थान की सरकार जनता आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो जानती है अगर आप दोबारा आए तो फिर से पीएफआई पर को पुनर्जीवित करने का काम अशोक गहलोत करेंगे। मित्रों, अपनी छवि चमकाने के लिए गहलोत साहब ने 2000 करोड़ का खर्चा ये 2 साल में किया है। 2 साल में 2000 करोड़ का खर्चा और खदानों के आवंटन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं रही है। इनसे पहले कुचामण सिटी में गृहमंत्री अमित शाह सभा ने संबोधित करता थका कहो कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रो घोटाड़ो हुयो है। वणा भाजपा री सरकार आबा माथे आवाला 2.5 साल में हर घर में नल सु पानी दे बारो वादो भी कर्यो। राजस्थान में एक बार फेरू कानून व्यवस्था तार तार भी है। राजधानी जयपुर में रात्रि टेम एक ऐडी घटनारो वीडियो सामने आयो जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सके है। शहर रा मानसोर इलाका में एक कॉलेज री बस माते हमलो करो गयो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत घटनारा वीडियो ने साझा करती टेम राज्य री कांग्रेस सरकार माते हमलो बोलियो। भारतीय जनता पार्टी का निशू प्रदेश भर में आसू महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करी जा रही है। 3 दिन तई चालबा वाला इन अभियान में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों सू संपर्क साधेला। इन खातर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर रा मालवी नगर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांगानेर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने विद्याधर नगर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आदर्श नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी आज से राजस्थान में महा जनसंपर्क अभियान शुरुआत कर रही है। जनसंपर्क अभियान 3 दिनों तक यानी 10 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अभियान में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों समेत कई केंद्रीय मंत्री भी जिम्मेदारी संभालेंगे। महा जनसंपर्क अभियान के तहत सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बूथ पर 50 घरों में जनसंपर्क करेंगे और शक्ति केंद्र के 10 प्रमुख लोगों से मिलेंगे।
प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति की बैठक आयोजित करेंगे और पार्टी का हैंडबिल या स्टिकर साथ लेकर के जाएंगे। जनसंपर्क के दौरान सेवा बस्ती में भी जनसंपर्क करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर नामांकन दाखिल करवारो काम पूरा हो बार पछे अब भाजपा और कांग्रेस समेत दूजा दल चुनाव प्रचार में जुट गया है। इन कड़ी में काले जयपुर में रख्या गया सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम ने संबोधित करता तक भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी माथे पूरो भरोसा है। बठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर रा गोविंदेव जी मंदिर में दर्शन कर बारे पछे लोगों ने संबोधित करया। इन अलावा सांगानेर सु कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज न्यारा न्यारा वार्डा में जनसंपर्क करया। इन मौका माथे वणा लोगों सु कांग्रेस सरकार रा कार्यकाल में हुआ कई विकास कामों रा बारा में बात करी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा चुनाव खातर जयपुर में पार्टी रा प्रदेश दफ्तर में कंट्रोल रूम री थरपणा करी। वणा मुमताज मसीह ने कंट्रोल रूम रो प्रभारी और सत्येंद्र भारद्वाज ने सह प्रभारी बनायो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस कानी सू सात गारंटी योजना ने धरातल माथे लागू करवाने लेर वादो कर्यो। काल खबर नविसा ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहो कि मैं गारंटी यात्रा री शुरुआत करी है जिनरे तहत प्रदेश रा सगड़ा संभागा में सात गारंटिया ने आम लोगों ताई पुगायो जावेलो। ये आज नया और पॉइंट बता दिया मुझे बोलने के लिए पर्सनल ने जो चुनाव के मोड में कर दिया था वो उचित नहीं था। वो जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट थे पार्टियों से वो इस सरकार के कोर्ट में रहते हैं लंबे मामले रहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वापस होता है। आज सरकार 5000 ने चलाई विपक्ष वो थे उनके बाद तो मैं समझता हूँ इतने पॉइंट होने चाहिए बोलने के लिए कोई हमारा एजेंडा शायद हमने किया इस बार जवाब नहीं दे पा रहे उसका एजेंडा सर वो कर नहीं पा रहे हैं। इस बार की बड़ी स्थिति ऐसी हो रही है कि जो गृह मंत्री ने बता दिया रहा जब भी झगड़ा दिया। प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव ने लेर निर्वाचन महकमू एकीकृत मतदाता सुचारू प्रकाशक कर दिनो है। प्रदेश में 5,29,00,000 सुबत्ता मतदाता अपना मताधिकार रो प्रयोग करेला। जयपुर में राख्या गया खबर नविसारा जलसा में मुख्य निर्वाचन एहलकार वीणा गुप्ता बतायो कि 22,71,000 सुबत्ता नुआ मतदाता पहली बार मतदान करेला। बटई 80 बरस और 82 आयुरा मतदाताओं खातर होम वोटिंग री सुविधा 15-19 नवम्बर तई रैली। विधानसभा चुनाव 2023 का जो मतदान होगा उसके लिए हमने वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी है। फ्रीज का मतलब होगा अब कोई वोट नहीं जुड़ेंगे और इसी वोटर लिस्ट से जो कल तक रात तक हमारे आरओज ने निस्तारण किया फॉर्म्स का तो उसके आधार पर अब चुनाव होगा। कुल मिलाकर अब मतदाताओं की संख्या जो है राज्य में 5,29,31,152 है। इसमें से 2,74,74,849 ये प्रेस कोट में दे देंगे पुरुष हैं। 2,53,13,458 महिलाएं हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंबल अलॉटमेंट के लिए प्रायोरिटी जो नेशनल पार्टीज़ की है उनके सिंबल जो फॉर्म ए बी से होंगे जो आ चुके हैं और बाकी लोगों के लिए जो कमीशन द्वारा आयोग द्वारा जो भेजे गए हैं 27 पार्टियों के लिए हमारे पास सिंबल आ चुके हैं। उनको विशेष जो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टीज होती हैं RUPPs कहते हैं या अन्य राज्यों में रिकग्नाइज हैं उनके लिए हमारे पास 27 पार्टियों के सिंबल आ चुके तो उस हिसाब से आरोज 9 तारीख को विड्रॉल के बाद शाम को सिंबल अलॉटमेंट करेंगे और फिर बैलेट छपने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर न्यारा न्यारा राजनीतिक तनारा प्रत्याशा करने सू दाखिल कराया गया नामांकन पत्री जांच रो काम जारी है। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बतायो कि नामांकन री जांच रे दौरान 3,037 नामांकन सही मिला है बठई 396 नामांकन ने खारिज कर दियो गयो है। इनके अलावा 3 उम्मीदवार आपरो नाम पाछो ले लिनो वणो बतायो कि काले ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। झुंझुनू माए चिकित्सा महकमा कानीसू स्वीप कार्यक्रम रे तहत मतदान प्रतिशत बढ़ावा रा प्रयास कराया जा रहा है।
इन खातर CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी, ब्लॉक सुपरवाइजर और चिकित्सा कार्मिका ने मतदान कर बारी शपथ दिराई। ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर्स और अन्य कार्मिक को बुलाकर के कार्य सलाह आयोजित की गई, जिसमें सी विजिल ऐप संबंधित जानकारी दी गई और सभी लोगों को मतदान अधिक से अधिक करने के लिए शपथ दिलाई गई। अधिक से अधिक लोगों को ये लोग जाकर के जागरूक करें और मतदान को किस तरह से हम बढ़ाएं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त तो सब सेंटर से लेकर हेल्थ वेलनेस सेंटर और PHC CHC से लेकर SDH और DH लेवल पर कैंसर स्क्रीनिंग के साथ ही मतदान बढ़ाने के लिए और उस मतदान से संबंधित सभी ऐप्स के बारे में जानकारी पूरे जिले में दी जा रही है। प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में बत्तों बत्ता मतदान खातर कई नवाचार कराया जा रहा है। इन कड़ी में स्वीप कार्यक्रम रे तहत सीकर जिला रा पिपराली ब्लॉक रा बेरी गांव में शहीद गौरी शंकर रा शहादत दिवस माते रखा गया रक्तदान शिविर में लोगों ने मतदान रे सारू जागरूक करो गयो। शिविर में आया ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों और स्वीप टीम रा सदस्य रक्तदान कर 100% मतदान कर बारी अपील करी। नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें एक अनूठा नवाचार है, रक्तदान के साथ मतदान भी अवश्य करें। ये अपील लेके हमारी स्वीप की जो टीम है वो बेरी गांव में पहुंची और वहां पर जो शहादत वीर शहीद हैं उनकी याद में जो कैंप लग रहा था उसमें रक्तदान करके मतदान का आह्वान किया। इसमें ग्रामवासियों ने बहुत शानदार सहयोग किया। हम ये चाहते हैं कि जीवन बचाने में रक्त का जितना महत्व है उतना ही महत्व है लोकतंत्र को बचाने में मत का है। यही अपील मतदाताओं से करने का हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, अपने घर पे नहीं रखें। शहरी मतदाता हैं वो उदासीन रहते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए प्रयास किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अजमेर रा दौरा माते है। वनाठे मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल रा 35वां सालाना जलसा माए शिरकत कर लिया है। उपराष्ट्रपति उन कार्यक्रम माए शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां माए उल्लेख जोग प्रदर्शन करवा वाली छात्रावां ने पुरस्कार भी बांटा। इन साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी फीसा सिंझा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जत्ते थे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।